हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा हेपा फिल्टर। आज हम जानेंगे हेपा फिल्टर क्या करता है और क्या मदद करता है, जरा बताएंगे हमको। तो आजकल क्या हो रहा है कि कोविड फैला हुआ है। हाँ बहुत। तो कोविड में क्या होता है? बेड्स नहीं मिलते। हाँ, बेड्स नहीं मिलते हैं। और इंसान को कोविड में बेड्स पे क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है कहीं से। हाँ, और कोविड क्या करता है कि आपके लंग्स पे अटैक करता है। हाँ, वो नोजी वगैरह होते हैं, भर देता है। बिल्कुल। तो जब वो आपकी नोजी भर देता है, आपके लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप सांस नहीं ले पाते हो। अगर आप सांस नहीं ले पाते हो, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और उसके कारण से कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो काफी लोगों ने डिसाइड किया है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने घर पे रख लिए। नाउ अब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है उनको, तो काफी लोगों ने क्या किया है कि वेल्डिंग का ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ग्रेड ऑक्सीजन, रैदर देन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन यूज करना पड़ रहा है। और काफी जगह इनने अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी रिलैक्स कर दी हैं, तो उसके कारण से बिना टेस्ट किए हुए भी उनके ऊपर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन लेबल करके वो मेडिकल शॉप से मिल रहा है। नाउ उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सिंस इट इज नॉट टेस्टेड, it can have your black fungus inside that. It can have some harmful microbes inside that. Can it have germs? Yes. So two major kinds of germs जो आजकल आ रही हैं वो black fungus है और mold है, वो सब industrial level oxygen से, industrial equipment से patients पे जा रहे हैं। तो वो rather than helping, उसमें और नुकसान हो रहा है। Now क्या होता है कि आपके पास चाहे cylinder हो चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो, फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द डे आपको दो तरह के मास्क दिए जाते हैं, ठीक है। ये है सबसे सिंपल वाला मास्क। ये मास्क अगर आपका कंडीशन थोड़ी सी ठीक है तो ये प्रेफर करते हैं। इसके अंदर आपको दिख रही है दो नाक की नोजल्स, तो ये दो नाक की नोजल्स यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फेस ना ब्लॉक करता है, नाक की स्पीच को ब्लॉक करता है, और बस यहाँ पे दो नोजल से छोटी छोटी पाइप से धीरे धीरे से ये ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। तो उसमें आपको अच्छा रहता है। तो इफ योर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज बिटवीन 1 to 3 liters, देन दिस इज प्रीटी गुड फॉर यू। अगर आपकी केस ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जो आईसीयू वाले पेशेंट हो जाते हैं, उसके लिए फुल फेस मास्क चाहिए होता है। यहां लगाता है ना? हाँ, तो उसमें वो होता है, वो आपका पूरा फेस एंड माउथ को पूरा ब्लॉक कर देता है, एंड उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन देता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन आ पाता है और वो ज्यादा अंदर तक जा पाता है। लेकिन कुछ भी होता है तो एंड ऑफ इट उसके पास एक नोजल होती है जो आपके सिलेंडर या किसी पाइप के अटैचमेंट में फिट होती है। तो अब नाउ कमिंग हेपा फिल्टर। सो हेपा फिल्टर क्या करेगा, दिस इज 0.2 माइक्रोन। व्हाट इज 0.2 माइक्रोन? यू नो मिलीमीटर्स? यस। तो एक मीटर का स्केल होता है और उसका 100 पोर्शन एक सेंटीमीटर होता है। Yes. सेंटीमीटर का 1/10 ऑफ अ पोर्शन मिलीमीटर होता है। तो आपको सेंटीमीटर स्केल में छोटी छोटी सी लाइनें दिखती है ना? हाँ। वो 1 मिलीमीटर होता है। नाउ अगर उसका 1000 पीस करेंगे, 1000 पीस करेंगे तो 1 माइक्रोन बनता है। मतलब 1 मिलीमीटर का? यस। सो 1000 माइक्रोन इज 1 मिलीमीटर। एंड 5 ऑफ दीस, क्योंकि 0.2 है, 0.2 into 5 is 1 micron। तो यानी 1 centimeter जो एक mm वाला जो खांचा होता है ना, जो सिर्फ आपके पेन में दिखता है, उससे 5000 times उसका, अगर हमने 5000 portions किए, तो that is the size of the pores here। दिखा भी है क्या? नहीं, pores आपको नहीं दिखेंगे। तो so this is what the purpose is। एंड इतना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसके कारण से कोई भी वायरस हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी फंगस हो गया, कोई भी मोल्ड हो गया, वो सब इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ओके, सो ये होल्स होते कहाँ हैं? ये इसके दोनों एंड के बीच में एक फिल्टर लगा हुआ है और फिल्टर्स में होल है, और फिल्टर को इसको इसने बड़ा कर दिया, क्योंकि जब आपने देखा होगा आप कपड़े के थ्रू या मास्क के थ्रू ब्रीथ करते हो तो आप सांस नहीं ले पाते हो, है ना? एफर्ट लगती है। लेकिन अगर कपड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर वहां से आपका जो प्रेशर होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, वो कम हो जाती है। तो आपने इतनी छोटी सी पाइप को इतने बड़े उसमें कर दिया, तो बाय एक्सपेंडिंग दिस साइज, ये अब आपकी एयर का प्रेशर ज्यादा ड्रॉप नहीं होता है।
नाउ इसमें एक एंड में आपको इसके साथ अटैच करना होता है और दूसरे एंड को इसके साथ अटैच करना होता है। एक यहां हाँ तो यहाँ पे आपको एक रबर की ट्यूब के साथ आप उसको यहाँ पे अटैच कर दोगे और दूसरा और फिर इसका ये आप देख सकते हो ना ये दूसरे एंड का बिल्कुल साइज सेम है तो आपका कोई भी मास्क लेंगे तो दूसरा मास्क इसके यहाँ पे लग जाएगा। ना दूसरा पॉइंट है कि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा वैसे तो कोई एक बार लगा देता है तो इसको टच नहीं करता है लेकिन अगर आपको इसको रिप्लेस करना है या वन पेशेंट से दूसरे पेशेंट जाना है तो डिस्पोजेबल है इसको आपको फेंक के दूसरा लेना पड़ता है। ये पहले हम लोग 250 रुपीज का बेचते थे लेकिन अभी हमने 25% डिस्काउंट दे दिया है बिकॉज ऑफ द कोविड तो ये 175 का एक एक पीस हम लोग बेच रहे हैं। न्यूज में आता है कि हेपा फिल्टर बहुत महंगा आता है। यस वेबसाइट्स में ऑनलाइन वेबसाइट में ये 2000 का पीस आ रहा है और हम लोग इसको 175 का बेच रहे हैं। क्योंकि हमने इसके प्राइस ज्यादा बढ़ाने के लिए हमने इसका प्राइस 25% कम कर दिया है और अगर आप कमर्शियली आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कमर्शियली आप डील कर रहे हैं तो आपके लिए फर्दर 18% का डिस्काउंट आ जाएगा क्योंकि 175 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो हम आपको एक जीएसटी इनवॉइस इनपुट जीएसटी इनवॉइस दे देंगे तो जिसके कारण से 175 से भी 20% कम आपको देना पड़ता है। दूसरी चीज है इसको आप निकालोगे नहीं अगर लेकिन अगर आपको निकालना है तो जो भी आपकी इनलेट वाली साइड है राइट उस साइड पे आप एक पेन से एक निशान मार देंगे क्योंकि जिससे आपको पता रहे कि ये आपकी इनलेट वाली साइड है। अगर आपने उसको उल्टा कर दिया तो इसने अभी तक जितने भी माइक्रोब्स इकट्ठे किए हैं आपने उल्टा कर दिया तो आपने वो माइक्रोब्स को फिर से आप ब्लो कर दोगे तो rather than helping you, it will throw the microbes, which it has sucked all the time, it will throw them towards you. तो इसको याद रखिएगा इन और आउट आप एक मार्क कर दीजिएगा जिससे आपको याद रहे और इसको आप हमेशा वैसे ही कॉन्फिगर करेंगे। जो स्टार्टिंग में आता है इट इज कम्प्लीटली स्टराइल तो इसको आपको इन एंड आउट मार्क करने की जरूरत नहीं है बट वंस यू टेक इट आउट एंड प्लान टू रीयूज इट और चेंज योर मास्क देन यू हैव टू मार्क इट इन एंड आउट। थैंक यू बाय बाय।